हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 7.4, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जिसमें हम। तो 7.4 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सॉल्व कर लिया था, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था वो, 4 का जो फर्स्ट पार्ट था ना, उसको समझ में आ गया होगा वो, उसकी प्रैक्टिस करते रहना। अब हम करेंगे उसका सेकेंड पार्ट, 4th का बी। तो देखो, जो 4th है उसका बी जो अपने पास है वो क्या है, बी है अपने पास 4th का एक्स इक्वस टू ए कॉस टी लॉग टेन टी अपॉन 2। यही है कॉस टी प्लस लॉग टेन टी अपॉन 2। और वाई पार्ट है ए साइन टी। तो देखो, टी है तो टी के रेस्पेक्ट में ही करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ टी। सबसे पहले इस पार्ट का करते हैं। देखो, x का हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी। ए कॉन्स्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाई में है, तो 0 नहीं होगा, ए ही रहेगा। कॉस टी होता है माइनस साइन टी, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो कॉस टी का माइनस साइन टी प्लस लॉग एक्स, तो x की जगह है टेन टी अपॉन 2। तो log x क्या होता है, log x होता है 1 अपॉन x, कई बार हम पढ़ चुके हैं। तो 1 अपॉन x यानी कि टेन टी अपॉन 2। अब करेंगे हम टेन टी अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन। ये भी क्या है, एक वेरिएबल है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो टेन का क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x की जगह है टी अपॉन 2। अब x की जगह t अपॉन 2 है, तो t अपॉन 2 का भी डिफरेंशिएशन होगा। t का डिफरेंशिएशन होता है 1, जैसे x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, t के रेस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन 1, और अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2। क्लियर। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं आगे। माइनस साइन t प्लस, देखो tan जो है, टेन को मैं लिख लेता हूँ साइन अपॉन कॉस में, साइन अपॉन कॉस, तो कॉस कहाँ जाएगा, ऊपर, है ना। ये छोटी छोटी सी चीज़ें अब तो आप लोग सीख गए होंगे, ये कॉस ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस टी अपॉन 2, नीचे होगा साइन टी अपॉन 2, ठीक है। ये है सेक स्क्वायर टी अपॉन 2, तो सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2, और यहाँ चल रहा है 1 अपॉन 2, ठीक है। देखो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ एक कॉस बच जाएगा, इस कॉस से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी ए माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन, देखो ये 2 है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये अपॉन में ही है, तो आगे लिख लेता हूँ 2, यहां बच रहा है साइन टी अपॉन 2, ऐसे लिख लो चाहो तो, और ये है कॉस टी अपॉन 2। तो देखो ये फॉर्मूला मैं कम से कम 20 बार आप लोगों को बता चुका हूं। साइन टी क्या होता है, 2 साइन टी अपॉन 2 और कॉस टी अपॉन 2। वैसे तो ये साइन एक्स फॉर्मूला है, साइन एक्स क्या होता है, 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, तो यहाँ साइन टी है, तो साइन टी क्या होगा, 2 साइन टी अपॉन 2 कॉस टी अपॉन 2, ठीक है। तो टी अपॉन 2, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, सेम ऐसे ही है, देखो 2 साइन टी अपॉन 2 कॉस टी अपॉन 2 है, क्या नहीं। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन टी, क्या हो जाएगा, 2 साइन टी अपॉन 2 कॉस टी अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ अपने पास d अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने पास d अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी
देखो इसको लिख लेता हूं मैं वन अपॉन में साइन टी, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए तो ये बाहर चलने दो, माइनस साइन टी प्लस वन अपॉन में साइन टी, ठीक है। अभी तो सेकंड पार्ट और करना है, थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी। देखो एलसीएम लेते हैं यहां से, तो एलसीएम आएगा साइन टी, यहां तो है माइनस साइन टी, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस साइन स्क्वायर टी, और यहां बन जाएगा प्लस वन। एलसीएम लेंगे तब तो देखो मैं यहां नीचे ही लिख देता हूं, ए तो है, देखो ये वन तो है प्लस का, और यहां बनेगा माइनस साइन स्क्वायर टी, और अपॉन में होगा कितना, साइन टी। दिख रहा है ये नीचे तक आप सब लोगों को? हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा और इधर जगह बना देता हूँ, ठीक है। तो वन माइनस साइन स्क्वायर टी बन गया नीचे, क्या बन गया, वन माइनस साइन स्क्वायर टी। तो वन माइनस साइन स्क्वायर टी आप सब लोग जानते हो क्या होता है, देखो ये तो है वन, साइन का मल्टीप्लाई साइन से होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी। तो वन माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन। ये भी हम कई बार यूज कर चुकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू है वन, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस यहाँ थीटा की जगह क्या है, टी है, तो इसको मैं यहीं लिख देता हूँ। देखो अब ए का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, तो ये तो हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया डी एक्स अपॉन में डी टी, क्या आ गया, डी एक्स अपॉन में डी टी, ठीक है। अब हम निकालते हैं वाई की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालते हैं, वाई की। तो देखो इन फॉर्मूले को मैं मिटा देता हूं ना, इधर खींचते हैं लाइन, डी एक्स अपॉन डी टी आ गया। सिंपल वही मेथड है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया, फिर टेन को साइन अपॉन कॉस में तोड़ा तो कॉस आ गया ऊपर, कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहां अपने पास बच गया टू साइन टी अपॉन टू कॉस टी अपॉन टू, तो ये बन गया अपने पास साइन टी। एलसीएम लिया तो ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, ये हो जाएगा प्लस वन, तो प्लस वन तो मैं आगे लिख दूंगा माइनस में साइन स्क्वायर टी, ये बन गया कॉस स्क्वायर टी। ए बाहर था तो ए से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इसको करते हैं डी वाई अपॉन में डी ए साइन टी, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो ये सिंपल सा हो जाएगा ए कॉस टी। भाई ए साइन टी है तो ए कॉस टी हो गया। अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी टी में डिवाइड देना है डी एक्स अपॉन डी टी का, तो डी टी से तो डी टी कैंसिल हो गया। देखो ये अपने पास कितना है डी वाई अपॉन डी टी, ये तो है ए कॉस टी, और ये अपने पास है ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, तो ये साइन टी कहाँ जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो एक कॉस से एक ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू यहाँ तो बचा है साइन टी, माइनस और था ना, माइनस कहाँ गया, हाँ ये माइनस तो यहाँ यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ अपने पास बच रहा है कितना, ए से ए भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा अपने पास कॉस टी। तो डी वाई अपॉन डी टी अपने पास हो गया टेन टी, क्या आ गया अपने पास, अपने पास इसका डी वाई डी टी, डी वाई डी एक्स सॉरी, क्या आएगा डी वाई डी एक्स, क्योंकि डी टी से तो डी टी कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, टेन टी आ गया, ठीक है। ये हो गया अपने पास फोर्थ का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने कल कर लिया था, सेकंड पार्ट हमने कर लिया, सिंपल सा है, ये दोनों प्लस में है, कोई वो नहीं होगा, सीधा डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन होके डी वाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस स्क्वायर टी साइन टी। बस यहाँ ये चीज़ मत छोड़ना कि ये डिफरेंशिएशन हो गया, छोड़ दिया, इसके बाद हमें इसे टी टेन को साइन अपॉन कॉस में चेंज करेंगे और सेक स्क्वायर को वन अपॉन कॉस स्क्वायर में चेंज करेंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ एक फॉर्मूला बन जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना, साइन टू एक्स वाला,
तो यहाँ टी बाई टू और टी बाई टू है तो ये क्या हो जाएगा साइन टी का फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन टी यहाँ से एलसीएम लेंगे ये कॉस बन जाएगा सेम, और ये तो सिंपल सा ये साइन टी को कॉस टी में चेंज हम कर देंगे। ये हो गया अपने पास फोर्थ का सेकेंड। अब है फिफ्थ, देखो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है एक्स इक्वस टू अंडर रूट साइन टू एक्स, यानी कि और वाई इक्वस टू होगा शायद कॉस टू थीटा, चेक करते हैं यही है क्या, हाँ यही है वाई इक्वस टू है कॉस टू थीटा। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देखो रूट में वैल्यू है तो थीटा है तो अब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ थीटा, तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा, अब थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो नीचे क्या जाएगा डी थीटा। अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स क्या होता है, अंडर रूट एक्स वन अपॉन टू रूट एक्स, क्या होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू साइन टू थीटा। अब करेंगे किसका साइन टू थीटा का, तो साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस टू थीटा, और फिर हम करेंगे किसका टू थीटा का, टू थीटा का क्या हो जाएगा टू, इस टू से ये टू कैंसिल, डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा ये तो ऊपर आ जाएगा कॉस टू थीटा अपॉन में अंडर रूट साइन टू थीटा। अब करते हैं हम क्या डी वाई अपॉन में डी थीटा, कॉस टू थीटा तो सबसे पहले अंडर रूट का होगा वन अपॉन टू अंडर रूट कॉस टू थीटा, अब करेंगे हम कॉस टू थीटा तो कॉस का होता है माइनस साइन टू थीटा और टू थीटा का क्या होगा टू, तो टू से टू कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपने पास क्या जाएगा माइनस का साइन टू थीटा अपॉन में अंडर रूट कॉस टू थीटा, ठीक है। तो अपने पास डी एक्स अपॉन में डी थीटा भी आ गया और डी वाई अपॉन में डी थीटा भी आ गया। अब हम डिवाइड दे देते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा में डिवाइड दे देते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा का, तो देखो ये तो है अपने पास माइनस साइन टू थीटा और ये है अपने पास अंडर रूट कॉस टू थीटा। इसमें जब डी एक्स अपॉन डी थीटा का भाग देंगे तो ये तो आ जाएगा ऊपर और ये कहां जाएगा नीचे, है ना, तो ये नीचे वाला भाग तो आ जाएगा ऊपर अंडर रूट साइन टू थीटा अपॉन ये आ जाएगा कॉस टू थीटा, ठीक है। तो देखो साइन के नीचे कॉस टू थीटा, साइन के नीचे साइन और अंडर रूट साइन के नीचे अंडर रूट कॉस, है ना, अंडर रूट के नीचे अंडर रूट वाली संख्या और बिना अंडर रूट के नीचे, ये तो देखो थीटा से थीटा कैंसिल डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिख लेते हैं, देखो माइनस साइन टू थीटा के नीचे लिख लेते हैं कॉस टू थीटा इन टू साइन टू थीटा अंडर रूट के नीचे लिख लेते हैं अंडर रूट कॉस टू थीटा, कुछ नहीं किया केवल रूट के नीचे रूट वाली संख्या लगाई है। साइन अपॉन कॉस सबको पता है क्या होता है टेन, माइनस का है तो माइनस का टेन टू थीटा इंटू साइन अपॉन कॉस टेन है अंडर रूट है तो अंडर रूट टेन टू थीटा। ये हो गया अपना फिफ्थ का फर्स्ट, टेन टू थीटा माइनस का और अंडर रूट का टेन टू थीटा, ये हो गया फिफ्थ का अपने पास फर्स्ट। चाहो तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो पर कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही छोड़ दो,
कोई जरूरत नहीं। देखो अगर आप और क्या सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं अपन, अंडर रूट हटा सकते हैं। देखो अगर आप करना चाहो तो ज़रूरी नहीं है वैसे, टेन टू थीटा है और इसको मैं लिख सकता हूँ टेन टू थीटा वन अपॉन टू। तो ये वन है और ये वन अपॉन टू है, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री अपॉन टू। तो माइनस टेन थीटा की पावर थ्री अपॉन टू, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ का फर्स्ट, फिफ्थ का सेकंड है ए कॉस थ्री टी, ए कॉस की पावर थ्री यानी ए कॉस क्यू टी एंड वाई इक्वल्स टू ए साइन क्यू टी है, कॉस क्यू टी और साइन क्यू टी। तो डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद द रेस्पेक्ट ऑफ टी, x क्या होगा डी एक्स अपॉन में डी टी, ए तो a ही है मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, a को हम बाहर लिख लेते हैं, और cos क्यू टी होगा 3 cos स्क्वायर टी। ठीक है, अब cos का करेंगे, cos t का होगा माइनस साइन t, तो मैं माइनस आगे लगा देता हूँ और ये हो जाएगा साइन t। तो एक ही लाइन में डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब करते हैं हम डी वाई अपॉन में डी टी, सेम है इसमें भी ए, ये हो जाएगा थ्री साइन स्क्वायर टी और साइन का हो जाएगा कॉस टी। अब डिवाइड दे देंगे डी वाई अपॉन डी टी में, डिवाइड दे देंगे डी एक्स अपॉन डी टी का, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ है ए थ्री साइन स्क्वायर टी और cos t, और यहाँ है a 3 sin t के नीचे तो sin t लिख देते हैं और cos qt के नीचे cos qt, यहाँ आ जाएगा dy अपॉन में dx। देखो एक cos से एक cos कट गया, एक sin से एक sin कट गया, यहाँ ये q कैसे आ रहा है, q थोड़ी आना चाहिए, यहाँ स्क्वायर आना चाहिए है ना, तो स्क्वायर कट जाएगा, 3a से 3a कट जाएगा, ऊपर तो बचेगा साइन t और नीचे बचेगा cos t, जिसे हम लिख सकते हैं tan t। तो dy अपॉन dx यानी कि फिफ्थ का अपने पास सेकंड का आंसर आ गया tan t। ये माइनस और कहाँ गया, ये माइनस कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो ये एक माइनस का साइन है तो ये भी आ जाएगा माइनस का टेन टी है ना, ये माइनस भी तो है, ये माइनस और साथ चलेगा तो अपने पास आ जाएगा माइनस का टेन टी। क्लियर, कोई भी अगर दिक्कत आ रही है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी स्टेप में कैसी भी, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है ना, अगर किसी भी चीज़ से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेट देखना स्टार्ट किया है ना, तो जो अभी या बीच में जुड़े हैं इस एक्सरसाइज में, तो वो स्टार्ट से देखना स्टार्ट करें ना, जो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है वहाँ से, तो सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। अगर आप बीच से देखना स्टार्ट करोगे तो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और कुछ समझ में नहीं आएंगी, इसलिए जो फर्स्ट वीडियो है ना वहाँ से ही देखना स्टार्ट करो इस चैप्टर की से, तब ये चैप्टर क्लियरली आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू टी माइनस वन अपॉन टी एंड एक्स सिक्स
प्लस वाई सिक्स इक्वस टू टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, यही है टी स्क्वायर प्लस है, ये क्या है प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। देन प्रूफ दैट एक्स फोर वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू वन, यही है यही है। देखो ऐसा एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, डिट्टो उसी एग्जाम्पल के जैसा ये क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है, बस वहाँ पहले ये x और y और x स्क्वायर और y थे, अब x क्यू और x x दे दिए गए, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है। फर्स्ट में हमने क्या किया था, इन दोनों में होल स्क्वायर किया था, अब भी हम सेम यही करेंगे, इसका और इसका हम क्या कर देते हैं स्क्वायर लगा देते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का होल स्क्वायर इक्वस टू टी माइनस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर, क्लियर। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा सिक्स प्लस वाई की पावर सिक्स प्लस टू एक्स क्यू वाई क्यू इक्वस टू, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू टी वन अपॉन टी, सो तो वन अपॉन टी कैंसिल, तो आएगा माइनस टी। देखो किसी भी एक की वैल्यू पुट कर दो, या तो यहां से इसकी वैल्यू पुट कर दो या फिर यहां से इसकी वैल्यू पुट कर दो, जोन सी भी आपको सही लगे वो वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू माइनस टू के इक्वल है, तो एक्स क्यू वाई क्यू की वैल्यू इधर आ जाएगी, तब किसके इक्वल हो जाएगी माइनस वन के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो किसको चेंज कर देते हैं, किसी को चेंज कर दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं उसकी इस देखो टी की पावर सिक्स और वाई की पावर सिक्स की जगह वहां से वैल्यू उठा लेता हूं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू है अपने पास टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, यहां है अपने पास टू एक्स क्यू वाई क्यू इक्वस टू, यहाँ भी है टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस में टू, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, वन अपॉन टी स्क्वायर से वन अपॉन टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब अपने पास बच गया यहाँ क्या बच गया, टू एक्स क्यू वाई क्यू इक्वस टू में माइनस, देखो ये टू है ना, इस टू को मैं इधर ले जाके डिवाइड दे देता हूँ, एक्स क्यू वाई क्यू इक्वस टू माइनस टू अपॉन टू, तो क्या बच गया माइनस वन। तो अपने पास बचा है एक्स क्यू वाई क्यू इक्वस टू माइनस वन। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ है एक्स फोर, क्या है एक्स फोर और वाई स्क्वायर, ये एक बार फिर से क्वेश्चन में चेक करते हैं, एक्स फोर है और वाई स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हम क्या करते हैं वाई क्यू, इस वाई क्यू वैल्यू निकालते हैं, तो इसको हम इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, किसका एक्स क्यू का, तो माइनस वन अपॉन एक्स क्यू। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, एक्स क्यू इक्वस टू में माइनस वन अपॉन एक्स क्यू का क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन, एक्स है इधर, क्या है एक्स है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्स। तो देखो ये क्या है वाई क्यू, तो वाई क्यू का करेंगे सबसे पहले तो कितना होगा थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है, और फिर वाई का होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्लियर। अब उधर आ जाते हैं माइनस वन अपॉन एक्स क्यू, तो देखो ये कौन सा है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो देखो सबसे पहले हम एक्स क्यू को तो छोड़ेंगे, माइनस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, फिर साइन आएगा किसका माइनस का बीच में, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे माइनस वन को तो छोड़ देंगे, किसको छोड़ देंगे माइनस वन है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो माइनस वन को छोड़ देंगे, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या है इसका हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर सिक्स,
क्या हो जाएगा, x की पावर 6 क्यूब करते ही, क्योंकि फॉर्मूले में नीचे क्या आता है भाई, जो अपने पास नीचे वाला पार्ट है उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो देखो अब x स्क्वायर से x 6 को काट देंगे तो क्या बचेगा अपने पास, x की पावर 4 बच जाएगा। क्या बचेगा, x की पावर 4। इस x स्क्वायर से इस 6 को काटेंगे, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और इस 3 से इस 3 को काट देते हैं पहले, तो देखो y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ है अब है ये, देखो x से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन x की पावर 4। अब हमें प्रूफ क्या करना है, x की पावर 4 y स्क्वायर, तो इसको हम इधर लेंगे तो मल्टीप्लाई में ही आएगा, तो इसको इधर ले देते हैं। देखो x की पावर 4 y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1, हैंस प्रूफ हो गया। प्रूफ देखो क्या किया, जैसे उसमें एग्जांपल में किया था ना, सेम ऐसे ही सबसे पहले इसमें और इसका होल स्क्वायर किया, a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ये लग गया, ठीक है। अब या तो इसकी वैल्यू ये पुट कर दो या फिर यहाँ से इसकी वैल्यू ये पुट कर दो, ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों में से किसी को भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गए, यहाँ से इस 2 को मैंने इधर डिवाइड दिया तो माइनस 1 हो गया, ठीक है। ये अपने पास सेम ये रह गया। अब मेरे को क्या करना है, एक्स क्यू को छोड़ना है, वाई क्यू का मैं इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ तो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन क्यू। अब हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो देखो वाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन होगा 3y स्क्वायर और फिर वाई का करेंगे तो dy अपॉन dx। तो देखो माइनस 1 अपॉन इसका डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना, ठीक है। देखो क्या किया, इसको तो छोड़ा एक्स क्यू, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो हो जाएगा 0, तो ये तो नंबर हो गया 0। अब माइनस साइन आता है, फिर माइनस 1 को छोड़ते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो होता है 3x स्क्वायर और अपॉन में इसका हो जाएगा स्क्वायर तो ये 6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ऐसे माइनस माइनस प्लस और 3x स्क्वायर, तो इस 3 से ये 3 कट गया, इस x स्क्वायर से इसमें 6 में को काट देंगे तो आ जाएगा x की पावर 4। देखो ऐसा मत करना कि 2 से 6 को काट दिया तो 3, ऐसा नहीं होता। कैसा है देखो, इसको ऐसे करते हैं हम, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 6। अब मैं इस एक्स की पावर, इस एक्स को नीचे लेता हूँ तो ये कैसे आएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर माइनस 2, ऐसे ही आएगा। अब माइनस 2 है और माइनस 6 है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, क्या हो जाती है ऐड, तो 1 अपॉन एक्स 6 और माइनस 2 है तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, इसीलिए x की पावर 1 अपॉन 4। ऐसा मत करना कि 2 से 6 को काट दिया 3 टाइम, है ना, तो पावर ऐसे नहीं कटती, पावर हमेशा इसको नीचे ले लेंगे तो बेस सेम है तो पावर हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, तो माइनस है तो 6 में से 2 माइनस जाके क्या हो जाएगा 4 अपने पास बच जाएगा। अब क्या किया, इस 4 को हमने इधर ले गए क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है, इस 4 का इधर ट्रांसफॉर्मेशन किया, dy/dx फाइंड किया और आ गया 1। तो ये हो गई अपनी एक्सरसाइज कौन सी, 7.4 कंप्लीट। तो 7.4 अपनी हो चुकी है कंप्लीट। अगर इस 7.4 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो होगी 7.5, जिसमें हम सीखेंगे डबल डिफरेंशिएशन। क्या सीखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। तो उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एक डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें बस दोबारा से उसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन भी बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्री माइंड से पढ़ते रहो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दिया करना। आज के लिए केवल इतना ही।